स्टार्टिंग मोटर बैटरी से करंट लेकर इंजन को स्टार्ट करने के लिए इंजन बैटरी से करंट लेती है और बैटरी करंट इसके काम पिनियन आता है जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसे एक बार में स्टार्ट करने के लिए 250 एम्पियर लग जाते हैं। जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं वह बैटरी से इग्निशन कॉइल को करंट देकर वह एचटी लेडी की सहायता से वह डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है और वहां पर टाइमिंग के हिसाब से वह करंट को चार भागों में बांटता है। ये स्पार्क प्लग है जिसकी सहायता से ब्लास्ट होता है। ये लुब्रिकेशन का पार्ट है। इसमें ऑयल फिल्टर ऑयल इसके अंदर जाता है और यहाँ से छनकर यहाँ से बाहर आता है और ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसके अंदर ही रह जाते हैं और जो साफ ऑयल होता है वो इंजन के अंदर चला जाता है। यहाँ से ये एयर फिल्टर है, ये इंजन को ठंडा रखने में काम। ये है मेरा प्रोजेक्ट है, मैं आज आपको स्पेनर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। स्पेनर चार प्रकार के होते हैं, रिंग स्पेनर, ओपन एंड स्पेनर्स, रिंग स्पेनर्स, कंबाइंड स्पेनर और बॉक्स स्पेनर। ये स्पेनर ये अलग अलग साइज के बने होते हैं नट्स के अनुसार और ये नट और बोल्ट को खोलने और बंद करने के काम आता है। ये रिंग स्पेनर है, यह भी नट और बोल्ट्स को बंद और खोलने के काम आता है। यह ड्रिल बिट्स, यह दीवार या जहाँ पर भी हमें काम होता है सिलेंड्रिकल होल करने के काम आता है। ये फ्लाई व्हील पुलर है, यह फ्लाई व्हील को इंजन से अलग करने के लिए इजी करेक्ट और सेफली तरीका है। ये प्लायर है, ये मल्टीपल प्लायर है, ये बहुत से काम करता है। ये एयर फिल्टर है, इसमें से गंदी हवा आती है और ये इसमें टकरा करके साफ होकर इंजन में चली जाती है। जो गंदी धूल मिट्टी होती है वो यहीं पर रह जाती है और इससे साफ ही हवा ही इंजन के अंदर जाती है। लिमिटर का इलेक्ट्रिकल टूल्स है, इसका नाम दूसरा बोम है। यह रेजिस्टेंस और फ्रंट और ओम को मापता है। यह बैटरी क्षमता को बताता है। ये बैटरी की क्षमता ग्रेविटी है जिसकी बारह 76 है जी। यह फ्यूल फिल्टर है, यह फ्यूल फिल्टर इंजन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो फ्यूल फिल्टर को साफ करके सिलेंडर में भेजता है। अगर यह फ्यूल को साफ ना करे या यह ना हो तो फ्यूल के साथ रेत के कारण या कुछ और सिलेंडर में जाएगा जिसके कारण इंजन की परफॉर्मेंस इंजन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। मैं आपको इंजन ऑयल चेंज करने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर लेंगे और एक इंजन ऑयल लेंगे। सबसे पहले हम इसको इसके नीचे रखेंगे और ड्रेन प्लग को खोलेंगे। ड्रेन प्लग को खोलने के बाद जो इसके अंदर तेल ऑयल होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। इस फिर हम ड्रेन प्लग को उठाएंगे और दोबारा बंद कर देंगे। फिर हम इंजन ऑयल कैप को खोल लेंगे। इंजन ऑयल कैप को खोलकर फिर इसमें हम ये इंजन ऑयल डालेंगे। इंजन ऑयल डालकर हम इसको इंजन ऑयल कैप को बंद कर देंगे। बैटरी कार का मेन पार्ट है, इसके साथ से इंजन चलता है। इंजन चलता है और इंजन के साथ साथ ये और भी कई काम करती है जैसे इंजन के साथ और भी काम करती है जैसे हेडलाइट हो गई थी, बैकलाइट हो गई थी। यह फोर सिलेंडर इंजन है, इसमें दो मैनिफोल्ड होते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड। इसमें से इनलेट में से एयर फ्यूल मिक्सचर होके अंदर जाता है जिससे दहनता गंदी गैसें बढ़ती हैं और एग्जॉस्ट में से गंदी गैसों को बाहर निकाला जाता है। जब इंजन चलता है तो यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है। क्रैंकशाफ्ट के साथ ये कनेक्टिंग रोड जुड़ी हुई है जो पिस्टन के साथ भी कनेक्ट है। यह यहाँ से यह फ्लाई व्हील के साथ जुड़ी हुई है। फ्लाई व्हील के साथ क्लच प्लेट जुड़ा होता है और क्लच प्लेट के साथ गेयरबॉक्स जुड़ा होता है। गेयरबॉक्स का यूज हम गेयर को बदलने के लिए करते हैं। जब क्लच को दबाएंगे तो गेयर बंद हो जाएगा और यह इंजन चलता रहेगा। प्रकार की होती है, फुल फॉरवर्ड चैसी, सेमी फॉरवर्ड चैसी, बस चैसी, इंजन इन फ्रंट, इंजन इन सेंटर, फुल फॉरवर्ड चैसी। इसमें इंजन ड्राइविंग कैबिन के
बार होता है, यह उल्टा ट्रक में पाई जाती है। फ्रंट वाले व्हील के ऊपर ड्राइविंग की सीट होती है। मैं आपको सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। सस्पेंशन सिस्टम हमारी कार में जरूरत से ज्यादा झटकों को सहन करता है। ये हमारा कोयल स्प्रिंग कोयल है, ये का पार्ट है। हाइड्रोमीटर एक इलेक्ट्रिक टूल है जिसे हम हाइड्रोमीटर एक मेजरिंग टूल है। यहाँ इसे हम बैटरी की यहाँ से खोल कर स्पेसिफिक ग्रेविटी को माप सकते हैं। यह ग्लास से बना होता है, इसमें एक बल्ब भी होता है और यह सिलेंडराकार का होता है। यह एक रबर, यहाँ पर एक रबर का बल्ब होता है जिसे हम दबाते हैं तो वहां से एक लिक्विड, जो बैटरी के अंदर लिक्विड होता है वो आता है, जिससे हमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता चलता है।